वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं, कला एवं संस्कृति। सुजनी कला। सुजनी कला एक विलक्षण शिल्प है जो पुरानी पहनी गई साड़ियों से बनाई गई जाती है। साड़ियों की एक साथ सफेद धागे से सिलाई की जाती है और तब गद्दा बनाई जाती है। इसका इतिहास इसी से जाना जा सकता है कि इसका उपयोग पुराने समय में राजा महाराजाओं के दरबार में गाने बजाने वाले कलाकारों के द्वारा अपने वाद्य यंत्र तथा अन्य कीमती सामान, किताब इत्यादि ढकने तथा उसमें लपेटकर रखने के लिए किया जाता था। सुजनी बनाने के लिए पुरानी साड़ियों तथा धोतियों को एक साथ परत दर परत जोड़कर सिलाई की जाती है। इसके द्वारा बने सामानों पर विभिन्न प्रकार की कढ़ाई द्वारा औरतें लोक शैली पर आधारित भिन्न भिन्न दृश्यों का चित्रण करती हैं। सुजनी की कारीगरी या कला उत्तर बिहार, खासकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और पटना के आसपास बसे कारीगरों में प्रचलित रहा है। मुगलों के अवसाद के बाद जिस तरह दिल्ली के पास के कई चित्रकार पटना आकर बस गए और पटना कलम तथा कंपनी आर्ट विद्या का विकास हुआ, उसी तरह कपड़ों के कारीगर मूल रूप से राजस्थान के खानाबदोशों की कला है, जिसका आदि मूल कजाकिस्तान या बलूचिस्तान से जोड़ा जा सकता है। मुजफ्फरपुर के आसपास बस गए बिहार की न सिर्फ अपनी पुरातन क्राफ्ट तथा चित्रकारी की परंपराएं हैं, ये अन्य जगह के कारीगरों और कलाकारों की शरण स्थली भी रहा है। आज के मशीनी दौर से जिस गति से पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट विलुप्त हो रहे हैं, दुर्भाग्यवश सुजनी की कला भी उनमें है। नवक्लेवर महोत्सव। नवक्लेवर एक धार्मिक महोत्सव है। इसमें हिंदू भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा नया रूप धारण करते हैं। वे नया रूप लेते हैं, इसलिए नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस महोत्सव को हर 12वें या 19वें साल में मनाया जाता है। मान्यता है कि अन्य हिंदू देवी देवताओं से अलग जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मनुष्यों की तरह मृत्यु होती है और फिर पुनर्जन्म होता है। नवक्लेवर उत्सव का आरंभ कब से हुआ, इसके बारे में प्रमाणिक रूप से कुछ कहना कठिन है। ऐतिहासिक संदर्भों और किंवदंतियों के अनुसार कई बार बाहरी आक्रमणों के समय मूर्तियों को गुप्त रूप से हटाकर अन्यत्र ले जाया जाता था या उन्हें गड्ढे खोदकर मिट्टी में दबा दिया जाता था। संकट टल जाने के उपरांत मूर्तियों को लाया जाता है, किंतु उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि उन्हें फिर से नया बनाना पड़ता था। ऐसी एक घटना या संदर्भ मिलता है सन 1600 में, जब आक्रमणकारियों की आपदा हटने के बाद राजा ययाति ने सोनपुर में मूर्तियों को मिट्टी में से निकाला। उनकी दशा बहुत बिगड़ जाने के कारण राजा ने नई मूर्तियां बनवाई और उन्हें मंदिर में प्रतिष्ठापित किया। ये एक लंबी प्रक्रिया है। काष्ठ मूर्तियों के परंपरागत नवीनीकरण का ये पर्व है। रथों के निर्माण के लिए वन से लकड़ी प्राप्ति करने के साथ ही इसका आरंभ होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं। एम्बरग्रीस। एम्बरग्रीस को संस्कृत में अग्नि जार, बहिन जार, अंबर सुगंध, अम्ब्रेम और लैटिन में अंबर ग्रीस कहते हैं। ये पदार्थ समुद्र से मिलता है। लाल सागर, अफ्रीका और ब्राजील के पास के समुद्र में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अंबर ग्रीस व्हेल का वमन है। अंबर ग्रीस स्पर्म व्हेल की आंतों में बनने वाला पदार्थ है। ये उसकी आंतों को स्क्विड, अन्य मछलियों के कांटों आदि से बचाने का काम करता है। इसको आम भाषा में व्हेल वॉमिट भी कहा जाता है। व्हेल की आंत में ये समुद्र में या तो उल्टी या फिर उसके मल द्वारा पहुंचता है। सालों पुराने पानी में तैरने, सूरज की गर्मी तथा समुद्र के लवणों से ये मोम जैसा पदार्थ बन जाता है। ताजा एम्बरग्रीस समुद्री वस्तु और मल की तरह गंध रखता है, जबकि पुराना होने पर यह अपनी गंध बदल लेता है। ये खुले समुद्र में तैरता हुआ या समुद्री किनारों पर मिलता है। ये एक मोम जैसा पदार्थ है जिसका रंग पीला, गुलाबी और काला सा होता है। शुद्ध पीले खाई झाई वाले अंबर को उत्तम और काले रंग वाले को उससे कम आंका जाता है। LHPP प्रोटीन। लिवर में अनियंत्रित कैंसर कोशिकाओं के प्रसार की रोकथाम करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास तरह के प्रोटीन की खोज की है। कैंसर रोधी इस प्रोटीन को LHPP नाम दिया गया है। नेचर नामक जर्नल में प्रकाशित इस शोध में कहा गया कि LHPP जिगर, लिवर के कैंसर की पहचान व निदान में बायोमार्कर अर्थात जैविक स्थिति का परिचायक हो सकता है। लिवर कैंसर को रोकने के लिए शोधकर्ताओं को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शोधकर्ताओं ने ऐसे प्रोटीन की खोज की है जिससे कैंसर की अनियंत्रित सेल्स को बढ़ने से रोक सकती है। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल के माइकल एन हॉल के नेतृत्व में हुई शोध में पाया गया है कि प्रोटीन LHPP की कमी ट्यूमर को बढ़ाती है और मरीज के बचने की संभावना को कम कर देती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि लिवर कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। लिवर कैंसर, जिसे हेप्टोसेल्यूलर कैर्सिनोमा के भी कहते हैं,
उसका इलाज काफी लेट स्टेज पर होता है। इतनी लेट स्टेज पर लिवर काफी डैमेज हो चुका होता है और इसका इलाज ज्यादा असर नहीं देता। शोधकर्ताओं का मानना है कि कैंसर विरोधी प्रोटीन LHPP की बायोमार्कर के तौर पर पहचान कर डॉक्टर बेहतरीन ट्रीटमेंट दे पाएंगे। शोधकर्ताओं ने एक माउस मॉडल के जरिए इसका पता लगाया। उन्होंने स्वस्थ और ट्यूमर टिश्यू में 4000 से अधिक प्रोटीन का विश्लेषण किया। एक एंजाइम जो शीर्ष पसंद के रूप में उभरा वो था हिस्टिडाइन फॉस्फेट। LHPP यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल के शवनाथ हिदपुर में कहा है, ये काफी दिलचस्प है कि LHPP हेल्दी टिश्यू में मौजूद है और ट्यूमर टिश्यू में ये बिल्कुल भी नहीं है। माउस मॉडल की ही तरह हमने लिवर कैंसर वाले रोगियों के ट्यूमर में LHPP स्तर में लगातार कमी देखी है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। पिछले 40 वर्षों से एल्मिको निरंतर रूप से PWD की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों और सहायक यंत्रों का निर्माण कर रहा है, जिसमें हड्डी समस्याओं, दृष्टि तथा श्रवण समस्याओं को दूर करने के सहायक यंत्र शामिल हैं। यह हर साल औसतन 2 लाख दिव्यांग आबादी की सेवा कर रहा है और लगभग 42 लाख सहायक उपकरणों और सहायक यंत्रों की आपूर्ति करता है। पृष्ठ 84। पर्यावरण एवं प्रदूषण। आर्द्रभूमि वो क्षेत्र होते हैं जहां पानी पर्यावरण और उससे जुड़े पौधे और वन्य जीवन को नियंत्रित करने के प्राथमिक कारक होता है। वे वहां पाए जाते हैं जहां पानी का तल जमीन की सतह पर या इसके पास होता है या जहां की भूमि पानी से भरी होती है। ये पहले कभी पानी या भूमि की ओर परिवर्ती या क्रमिक चरणों में बदलते हुए वास स्थलों के रूप में माने जाते थे, लेकिन अब आर्द्र भूमियों को विशिष्ट पारिस्थितिक विशेषताओं, कार्यों और मूल्यों के साथ अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों में माना जाता है। सबसे व्यापक परिभाषा के अनुसार आर्द्रभूमि की परिभाषा है वो भूमि जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में जहां पानी का तल प्रायः जमीन की सतह पर या जमीन की सतह के पास है या जहां जमीन उथले पानी के द्वारा ढकी रहती है के बीच संक्रमित होती रहती है। आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन में आर्द्रभूमि को इस तरह परिभाषित किया गया है, दलदल, दलदली भू पट्टी, वनस्पति पदार्थों से ढकी भूमि, प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या बहता हुआ, मीठा खारा या नमक के पानी के क्षेत्र और समुद्री पानी के वे क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार में 6 मीटर से अधिक नहीं जाती है। आर्द्रभूमि प्राकृतिक और मानव निर्मित मीठे पानी या खारा पानी वाले कई पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करती हैं। पक्षियों का घनत्व विशेष रूप से किसी भी आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक समृद्धि का एक सटीक संकेत है। हालांकि उनकी तुलनात्मक क्षमता की गणना के बिना आर्द्रभूमि का अस्थायी उपयोग इन महत्वपूर्ण जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए प्रमुख खतरा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 अधिसूचित किए हैं। संशोधन नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि बहुपरतीय प्लास्टिक MLT का बंद किया जाना अब MLP पर भी लागू है, जो कि गैर रिसाइकलेबल अथवा गैर ऊर्जा पुनः प्राप्य या बिना किसी वैकल्पिक उपयोग का होता है। संशोधित नियमों में उत्पादक और आयातक और ब्रांड मालिक के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली भी निर्धारित की है। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि पंजीयन का कोई भी तंत्र स्वचालित होना चाहिए और इसमें उत्पादकों, रिसाइकलर्स तथा निर्माताओं के लिए व्यापार करने में आसानी लाने का भी ध्यान रखना चाहिए। उत्पादक और आयातक ब्रांड मालिक के पंजीकरण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड CPCB द्वारा केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली तैयार की जाएगी। उत्पादकों के लिए जहां इस समय 2 से अधिक राज्यों में मौजूद एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री निर्धारित की गई है, एक राज्य स्तरीय पंजीकरण छोटे उत्पादकों और ब्रांड मालिकों के लिए निश्चित किया गया है जो 1 या 2 राज्यों में संचालित है। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के कैरी बैग का स्पष्ट मूल्यांकन संबंधी नियम 15 को हटा दिया गया है। संवैधानिक एवं प्रशासनिक अवधारणाएं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2018। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 अप्रैल 2018 को देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन हेतु मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विधेयक में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं, 1. आयोग के मानद सदस्य के रूप में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शामिल करना। 2. आयोग में एक महिला सदस्य को शामिल करना। 3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु पात्रता और चयन का दायरा बढ़ाना।
4. केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए व्यवस्था बनाना. 5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इसे अन्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप बनाया जा सके. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग कारगर ढंग से मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद तथा व्यापक कार्यों से संबंधित पेरिस सिद्धांत का परिपालन करेंगे. इस संशोधन से भारत में मानवाधिकार संस्थानों को मजबूती मिलेगी तथा संस्थान अपने दायित्वों, भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का कारगर निष्पादन कर सकेंगे. विधि आयोग. भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक परामर्शदायी निकाय है. इसका गठन समय समय पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है. भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था. स्वतंत्रता पश्चात सन 1955 में एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया. ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं शताब्दी में 4 विधि आयोग गठित किए गए थे. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 ये प्रावधान करता है कि संविधान से पहले के कानून तब तक लागू बने रहेंगे जब तक कि उन्हें संशोधित या निरस्त न कर दिया जाए. विधि आयोग का मूल कार्य कानूनों का समेकन और संहिताकरण के उद्देश्यों से विधायी उपायों की अनुशंसा करना है. विधि आयोग की संरचना प्रत्येक आयोग के लिए भिन्न भिन्न है. इस आयोग में एक अध्यक्ष, कुछ पूर्णकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है. इसके अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वैधानिक विशेषज्ञ या किसी भारतीय विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर होते हैं. आर्थिक एवं वित्तीय अवधारणाएं. व्यापार उपाय महानिदेशालय DGTR. भारत सरकार ने 7 मई 2018 को भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 में संशोधन कर वाणिज्य विभाग में डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के स्थान पर व्यापार उपाय महानिदेशालय का सृजन किया. इससे एकीकृत एकल छत्र अम्ब्रेला राष्ट्रीय प्राधिकरण के सृजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो व्यापार उपाय महानिदेशालय DGTR के नाम से जाना जाएगा. DGTR का सृजन भारत में व्यापार एवं त्वरित व्यापार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है. व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन से वाणिज्य विभाग को हिफाजती उपायों की सिफारिश करने से संबंधित कार्य करने की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है. DGTR नई व्यवस्था के तहत DGFT के DGAD, DGS और हिफाजत QR से संबंधित कार्यों को अपने दायरे में ला देगा, जो इन सभी का विलय एकल राष्ट्रीय निकाय में करने से संभव होगा. DGTR डंपिंग रोधी, CVD और हिफाजत संबंधी उपायों से निपटेगा. DGTR वाणिज्य विभाग के एक समयबद्ध कार्यालय के रूप में काम करेगा. डंपिंग रोधी प्रतिकारी, काउंटर वेलिंग एवं हिफाजती शुल्क लगाने के लिए DGTR द्वारा की जाने वाली सिफारिश पर राजस्व विभाग विचार करेगा. स्पेशल 301 रिपोर्ट. 27 अप्रैल 2018 को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट 2018 जारी कर अमेरिका में रचनात्मक कृतियों के बढ़ते बाजार के समक्ष उपस्थित मुख्य चुनौतियों को चिन्हित किया है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने भारत और चीन सहित 12 प्रमुख कॉपीराइट बाजार देशों को स्पेशल 301 कानून के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है. इस सूची में उन देशों को रखा जाता है जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR ढांचे में कमजोर कानून और उनके लचर क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन के चलते बौद्धिक संपदा अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता है. स्पेशल 301 समीक्षा प्रक्रिया का प्रमुख लक्ष्य अमेरिकी सरकार की उन देशों की पहचान करने में मदद करना है जो न तो बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी और पर्याप्त सुरक्षा देते हैं, अपितु बौद्धिक संपदा सुरक्षा चाहने वाले अमेरिकी व्यक्तियों को विदेशी बाजार की निष्पक्ष व न्यायसंगत पहुंच बनाने से भी रोकते हैं. इस वर्ष की स्पेशल 301 रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के कॉपीराइट सुरक्षा प्राप्त फिल्म, टेलीविजन कार्यक्रमों, संगीत, वीडियो गेम्स, प्रकाशन, मनोरंजक सॉफ्टवेयर एवं अन्य रचनात्मक सामग्री के लिए विश्व में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल बाजार सहित अन्य बाजारों को खोलना है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमेरिका चाहता है कि अन्य देश अपने बाजारों में सख्त कॉपीराइट कानून और कुशल क्रियान्वयन तंत्र बनाए व उसके रचनात्मक उत्पादों की बाजार तक पहुंच बनाने में मौजूद रुकावटों को दूर करें. बौद्धिक संपदा सामग्री हेतु अन्य देशों के बाजारों की खुलना अमेरिका के निर्यात, नौकरियों और वैश्विक स्तर पर अमेरिकी प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने में सदैव एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ है.
स्पेशल 301 इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अमेरिका की एक प्रमुख नीति है। पृष्ठ 85।